बैठी है ना तो फिर घर का काम करके मैं कुछ नौकर है तेरे काम करा मैं नौकर हां हां तरीके ना रे की रोला तुसी पाए कहता अम्मी जी की मसला है तुसी क्यों रोला पाए 24 घंटे तुसी लड़ते रहे बैठे हो नुमान ने केड़ी हदीस अच लिखी है 24 घंटे एलसीडी चलाई बैठी है क्या लिखा है मेरा टाइम नहीं गुजरता मैं टीवी ना देखता मैं किधर और भी नहीं जा सकती मैं अल्लाह मामा दा ना कोई नहीं तो फिर सुन कर लिया था अल्लाह मोहम्मद तो पेशी उसी बोल ले आली सा कुछ नहीं होता अम्मा ना लड़ाई की थी करो हूं तेरी बेटी नुमान मेरी धी तक ना जावी भाई समझ आई अपने घर बैठी है बड़ी बहन बहन है बड़ी धी धी है तो मैं किसी की धी नहीं हूं नहीं मैं अपने जहेज से सारा कुछ लेके मैं चला सकता मैं दिमाग का घर कर दे सनम गल सुन मेरी समझदार से करने से शर्म नहीं आती मेरी गल सुन ओ मेरी वालदा ठीक है ना ज्यादा ऊंचा बोलने की लोड कोई नहीं सही है ना ओ मैं उन समझा देना मैं किसी ने दी नहीं तेरे अपनी वालदा दे देना सासे मेरा बिरा तेरी बहन कितनी करदा ओ कभी भी नहीं लड़या मेरी दी तक ना जावी ओंदे घर कोई शिकायत आज तक नहीं आई है मेरी मां ही पता नहीं किस तरह बर्दाश्त कर दे रहे हो बुढ़ी हड्डियां होंगी बेचारे सारा दिन काम करती है फिर आके शिकायत करे फिर शिकायत करे नहीं कर सकती मैं तो आके ज्यादा ऊंचा ना बोली करो तो अदब जीता कर इज्जत कीती करो तेरी मामा दी जगह देख एक दिन हो सी मामा तो बड़ा पछतावा ना अपना घर खराब कीती जा पछताईदा तो हुन भी पिया ना पछताईदा तो हुन भी पिया चुप करो चुप करो चल मेरी गल सुन मेरी मां उरा मैं तेन ए अपना भई ना सनम जेड़ी है भई इन तू क्यों टॉर्चर कीती रखनी 24 घंटे आखिर तेरी भी तो बेटी है तेनु इस गल दा भी पता है कि अपना वट्टा सट्टा है सही है आपा पहले उन्होंने एक बेटी दीती हुई है बाद में आपा शादी करके लेके आए हैं ये हुन मेरी बीवी भी है अगर वो टीवी देख लेगी तो इधर कोई बुराई तो नहीं है ना वो हुन सारे दिन तेरी बेटी ते मेरी बहन उठे है पे उन्होंने घर तक है कि आम गल है टीवी केबल डिश उठे तो हर शय टीवी देखना अच्छी गल नहीं है मैंने बिल्कुल नहीं पसंद अपने सामने ना टीवी ना देखा करे भावे जेब से चलाए भी मैं टीवी टीवी देखने वाले लोग नहीं अच्छे लगते ना दूसरी गल शादी ते अगर उठे ता एक रिवाज 24 घंटे टीवी चलता है ओ रिवाज है ना इथे रिवाज कोई नहीं इथे रिवाज कोई नहीं अच्छा इथे रिवाज कोई नहीं अगर वो टीवी चला लेगी तो बस मामा मैं चाहनी तू ने तलाक दे दे कैसे शादी करके की मिले कुछ भी नहीं मिले सुभान ना ऊपर लिखिए ना ओ के ना नमाज पढ़ दे ना कुछ ठीक है कोई नहीं सिर्फ कमरे में बैठी रहनी है एसी चला ले सी कमरे दे विच बार बार टीवी देख रही नहीं तो समझ नहीं आंदी इयो तू छोड़ दे तलाक दे दे उन जुबान में के अल्टी लम्मी ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਖ ਦੇਵਣ ਉਹ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਾਲ ਦੇਵਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੂੰ ਧੀ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਨੋ ਦਾ ਵੀ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਲੋ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੱਟਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੀ ਮਾਮਲੀ ਤੋਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਆ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਪਿਆ ਸਾਡਾ ਰਿਵਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣਾ ਇਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ ਜੈ ਵਿੱਚ ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੱਥ ਦੀ ਹਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋ ਨਾ ਵੇਖਣ ਦੇ ਟੀਵੀ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਵੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ 16 ਸਾਲ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਵੇ ਅਜੀਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਹ ਸਮਝਾਇਆ ਕੀ ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿਆ ਇਤਨੇ ਅੱਛਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਇਹਨ ਪੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਪਿਆ ਅਸਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਇਹਨ ਪੈ ਤੇ ਉੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲਦੇ ਪੈਂਡੇਸ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਕੇਬਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਮੈਂ ਜਿਤਨੀ ਵਾਰੀ ਘਰ ਗਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਵੇਖੋ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਂਦਾ ਅੱਛਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਟੀਵੀ ਦੀ ਜ਼ੇਦ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ੇਦ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਤਲਾਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਗੁਜੀ ਠੀਕ ਹੋ
तबीयत से ठीक है बाबू जी। मैं तो दसन आया भी आ, रोज रोज दे अपने छोटे छोटे जेड़े रोले होते ने घर बर्बाद कर देते हैं। हूं तो पता है अम्मी हूं नवा मसला नवा इशू खड़ा की खड़ोती हूं सा हसता वसता घर है सा आपस कभी लड़ाई मियां बीबी की हुई भी नहीं है पे। हूं अम्मी आई है तो जी सनम आई पी टीवी चलाई बैठी है तो पता भी अपनी मेरी बहन मतलब थोड़ी बेटी भी अपना वट्टा सट्टा है पे आप उन्होंने को लई हुई है दिती हुई है हूं उन्होंने दिती हुई है उत्थे तो यह इशू कोई नहीं मतलब गुजारा क्योंकि असा फसे पे हैं वट्टा सट्टा है पिया नाले टीवी वेखना एक शाय पे अच्छा भी इस्तेमाल होंदा बुरा भी होंदा जी बंदे दे ज़हन ते डिपेंड करेंदा जी जे बंदे दा ज़हन उंजे उने इस्तेमाल करे हुण निक्की जी गल ते अम्मा इशू बना के ते जे तलाक दी वेंदी है ते कल अपनी बहन भी इत्थे बूए ते आवे सी नहीं नहीं ये गलत काम है तुसी ओनु समझाओ तीन चार बाल इन पे आपा नु माशरे जीवन नहीं देवणा बिरादरी नहीं कुत्ती बिरादरी है भाई ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਉਹ ਆਖਣ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾ ਬਈ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਪਰਨਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਲਾਕ ਲੈ ਛੋੜੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਛੂਰ ਪਰਨਾਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਲਾਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲਾਏ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈਨਾ ਜੀ ਤੂੰ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੀ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਟੀਵੀ ਵੇਖੇ ਟੀਵੀ ਵੇਖਣੇ ਕਿਹੜਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੀਵੀ ਅਰਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੇਦੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਛੋੜ ਦੇਵੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮ ਮਾਇੂਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮਾਇੂਬ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਾਹ ਟੀਵੀ ਵੇਖਿਆ ਟੀਵੀ ਉਹਨਾਂ ਟੀਵੀ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਟੀਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਾਂ ਦਿੱਤਾ ਐਲਸੀਡੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਕਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸੈਂ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਹੀ ਤੰਗ ਕਰ ਸੈਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਜ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫੂਲਾ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਤਰਫੂਲਾ ਮਾਨੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਲ ਸੀ ਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ ਰੋਟੀ ਸਾਲਣ ਪਕਾਉਣਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਿਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਹ ਦੀ ਢੇਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਢੇਰ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਨੀ ਆ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ
रोला चलता है जिवें अजकल फैशन है इज्जत नाल बैठना मैं अगे भी समझाया लेकिन ये कुछ जहनी भूसे शार्ट है मैं माजरत कर स मेरी मर्जी है इत्थे रानी है मेरी हुक्मरानी मैं करना जो करना वो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हां नू क्यों तू तंग खराब कर दी तुसी यहीं हो जाओ ना यहीं हो के मैं ना गल करो हूं हूं मैं ए दसो की मैं की खराब कीता जो कुछ मैं करना है मैं अपनी मर्जी करनी ए घर है मेरा इत्थे चल सी मेरी हुक्मरानी मैं भावे टीवी या जो लेना ने ते अपना वखरा घर लेना उथे करना अपनी इत्थे मैं रहन कोई नहीं देना नहीं वो वखरा रहवे तो तू आजाद रह से मैं तो अपनी हुक्मरानी से घर ते करनी जेड़ा मेरा है ए मैं अपने ए मैं आप बनाए ठीक है लेकिन उना दा हक बनदा हक बनदा ते मोड़ वखरे घर ले लेवे मैं इत्थे रहन कोई नहीं देना जेड़ा फैसला मैं कर चुकी मैं उसे ते अमल करेसा हूं मैं जांदी पर अजीब किस्म दी औरत है मेरी तो सुनदी काए नहीं मैं ते हुन घर चलया अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं नुमान और आप देख रहे हैं नुमान टीवी नाज़रीन ये रियल स्टोरी है जो हमने बनाई छोटी सी स्टोरी है ये हमारे गांव में देहातों में छोटी छोटी बात पे जो झगड़े नचाकियाँ लड़ाइयाँ ये घर बर्बाद कर देते हैं जैसे ये टीवी की लड़ाई थी छोटी सी लड़ाई थी मतलब कि वट्टा सट्टे का उनका रिश्ता हुआ था जैसे आपस में गाँव में होते हैं आजकल ये जो रिश्ते हैं मेरे ख्याल में ये गलत है ये ठीक नहीं आप जहाँ भी रिश्ता करें या जो भी करें ये वट्टे सट्टा जहाँ भी होता है तकरीबन इनका सारी ज़िंदगी आपस में लड़ाइयाँ झगड़े इसी तरह रह जाता है तो ये जो रिश्ता है ये थोड़ा अच्छा नहीं रहता तो मज़ीद मैं इसके बारे में कोई कमेंट नहीं करूँगा मज़ीद है मैडम आलिया मैडम सनम है भाई हैं हमारे साथ है और भाई आसिफ है इनसे बोलूँगा कि भाई टिपू ये क्या कमेंट करेंगे ये जो टीवी की लड़ाई थी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कैसे हैं आप सब उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे बहुत शुक्रिया हमें देखने के लिए अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और रिक्वेस्ट है जिन दोस्तों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे और आपसे मैं शेयर करूंगी कि जैसे कि मैं बहू बनी और ये मेरी सासू माँ बनी मैं आप सभी से ये गुजारिश करती हूं कि आप शादी का एक तमाशा ना बनाएं खेल ना बनाएं शादीशुदा ज़िंदगी को आप खुद आग लगाती हैं छोटी छोटी बातें जो होती हैं वो घर तबाह कर देती हैं प्लीज़ अपने घर को घर समझें और मैं उन लड़कियों से ये गुजारिश करती हूँ कि आप अपने माँ बाप की खिदमत कर सकती हैं क्या जो आपके सास ससुर होते हैं वो भी तो आपके माँ बाप की जगह पे होते हैं प्लीज़ आप उनकी भी इज्जत करें नाफरमानी ना किया करें जो बच्चे अपने माँ बाप की नाफरमानी करते हैं वो दुनिया में ही अपनी आखिरत भी ख़राब कर जाते हैं और अपनी दुनियादारी भी ख़राब कर जाते हैं उम्मीद है आज का एपिसोड भरपूर अच्छा लगा होगा और टीपू भाई से कहते हैं ये आपके लिए क्या कॉमेंट करते हैं टीपू भाई आप बताएं ये जो हमें स्टोरी भेजी गई थी रियल इसका मकसद ये है कि इसमें दिखाया गया है कि जो सास थी उसकी मतलब वट्टा सट्टा हुआ उसने अपने बेटे का रिश्ता लिया और अपनी बेटी का रिश्ता एक घर में किया तो इसके जो ये आलिया ने यह सीन किया है तो इसकी बेटी मतलब जो बनी है उसके घर में टीवी वगैरह चल रहा है टीवी देखना अच्छी बात तो नहीं है तो मतलब टीवी पर वैसे बंदा इस्लामी प्रोग्राम भी देख सकता है तो जब इसके बेटे ने घर में टीवी लगाया और वो अपनी मतलब वाइफ के लिए भी लगा रहा था चलो ये भी कोई चीज़ देख ले यहाँ पे बैठ के तो इसने रोला डाल दिया कि ये क्यों कर रहे हो तो जो पुराने दौर की औरतें थीं वो मतलब ऐसे लड़ाई झगड़ा करवाती थीं
बहू को अच्छा नहीं समझती, तो उन औरतों से दरख्वास्त है कि अपनी बहू के साथ बना के रखें, उनको भी अपनी बेटियों की तरह समझें कि आपकी बेटी की किसी के घर में अगर शादी हुई है तो वो भी किसी के घर से किसी की बेटी आई है, तो बस उसकी इज्जत करें और उसके साथ जो है प्यार और इखलाक के साथ पेश। जी बिल्कुल, टीपू भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, और आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी बेटियों को इतना प्यार देते हैं, उनको अपनी जिगर का टुकड़ा समझते हैं, तो दूसरों की बीवियाँ और बेटियाँ भी ऐसे ही होती हैं जैसे कि दूसरों की होती हैं। आप लोग दूसरों के बच्चों को अगर अपने बच्चे समझ के रिस्पेक्ट करेंगे या उनकी उनको प्यार देंगे, तो जाहिर सी बात है दूसरों की बेटियाँ भी फिर आप लोगों की बिल्कुल खिदमत करेंगी। उम्मीद है आज का एपिसोड भरपूर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। नारा लगाते हैं पाकिस्तान।